हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे अरुण कात्यायन वॉल्यूम फर्स्ट के फर्स्ट टॉपिक की। इसमें है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें पहले, इट इज सपोज्ड दैट मैन वाज इवॉल्व्ड ऑन अर्थ अबाउट 15 लाख ईयर्स एगो। यह माना जाता है कि पृथ्वी पर आदिम मानव का उद्भव लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इसमें हम उसी टॉपिक का ज़्यादा से अच्छे से ध्यान देंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ओके, दिस मैन वॉज द इवॉल्व फॉर्म ऑफ मंकी हु स्टार्टेड टू मूव बाय स्टैंडिंग इरेक्ट ऑन हिज फीट। यह आदिम मानव बंदर का एक विकसित रूप था जिसने सर्वप्रथम सीधे खड़े होकर चलना फिरना शुरू किया था। सच मैन हैज बीन कॉल्ड होमो इरेक्टस। ऐसे आदिम मानव को होमो इरेक्टस या जावा मैन कहा गया। होमो मीन्स कंटिन्यूअस, लगातार, एंड इरेक्टस मीन्स इरेक्ट, मतलब सीधा। लेटर ऑन जावा मैन वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इंटू क्रोमैग्नम एंड क्रोमैग्नम इंटू मॉडर्न मैन। होमो इरेक्टस से क्रोमैग्नम तथा क्रोमैग्नम से बाद में आधुनिक मानव विकसित हुआ। द मॉडर्न मैन इज जूलॉजिकल नोन एज होमोसेपियंस। सेपियंस मीन्स लर्निंग हैबिट ड्यू टू हिच कंटिन्यूअस लर्निंग हैबिट। जब आदिम मानव में समान रूप से सीखने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई वह होमोसेपियंस। सेपियंस मीन्स होता है सीखने की प्रवृत्ति, और अंततः होमोसेपियंस सेपियंस कहलाया। सच मॉडर्न मैन वॉज इवॉल्व फर्स्ट इन अफ्रीका अबाउट 3500 ईयर्स एगो, व्हाट जनरली एक्सेप्टेड टूडे। सर्वमान्य सा धारणा है कि आधुनिक मानव सर्वप्रथम अफ्रीका में 35,000 वर्ष पूर्व विकसित हुआ होगा। इन द बिगिनिंग सच मैन हैड बीन स्पेंडिंग हिज लाइफ वाइडली, बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1800 से 1700 BC शुरू में यह आधुनिक मानव जंगली जीवन बिताते थे, लेकिन 1700 से 1700 ईसा पूर्व इन लोगों ने दे स्टार्टेड टू पेट शीप एंड गोट। ऑल्दो द फर्स्ट पेट एनिमल वाज डॉग व्हिच वाज यूज्ड इन हंटिंग। 1700 से 1700 ईसा पूर्व इन लोगों ने भेड़ और बकरी पालना शुरू किया। हालांकि इनका पहला पालतू जानवर कुत्ता था जिसका उपयोग शिकार में होता था। कुत्ता को पहली बार जब पाला गया था वो 10,000 BC में, और इसका प्रयोग शिकार के लिए करते थे। द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्टेड ड्यूरिंग 7500 BC। 7500 BC के करीब मानव ने सर्वप्रथम फसल उगानी शुरू की। एंड दस एग्रीकल्चरल साइंस केम इंटू एक्सिस्टेंस, जिससे कृषि विज्ञान की नींव पड़ी। टू प्रोड्यूस द क्रॉप ह्यूमन बींग्स टिल्ड द सॉयल। फसल उत्पादन हेतु मानव द्वारा मिट्टी की गुड़ाई की गई। टिलिंग ऑफ सॉयल आर इन अनदर वर्ड ऑफ कल्टिवेशन इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, और जिससे एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई। एग्रीकल्चर शब्द दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ टू लैटिन वर्ड्स, एग्रिक प्लस कल्चरा। एग्रिक मीन्स सॉयल या मृदा, एंड कल्चरा मीन्स कल्टिवेशन, मतलब खेती करना। अर्थात कल्टिवेशन ऑफ सॉयल इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर। इस तरह कृषि विज्ञान एक कला और विज्ञान दोनों है, जिसमें
हम मिट्टी के उपयोग के संबंधी सभी मानव क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। और इसके आगे इसमें फिर है डिस्कवरी एंड यूज ऑफ आयरन रिवॉल्यूशन द एग्रीकल्चर द एग्रीकल्चर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन एंड अर्नेस्ट डिजायर्स। मानव विकास के क्रम में मनुष्य की आकांक्षाएं बढ़ी, जनसंख्या में भी वृद्धि हुई, अतः उत्पादन में भी वृद्धि की जरूरत पड़ी। लोहे की उत्पत्ति होने से कृषि कार्य में तो क्रांति तो आई, लेकिन भूमि प्रबंध के अभाव में उत्पादकता की सार्थकता जाती रही। इट वॉज रियलाइज्ड दैट ड्यू टू लैक ऑफ फील्ड मैनेजमेंट द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल वॉज स्टार्टेड टू बी। Therefore, agriculture had to study the management of field as well as principles and practice of crop production. अतः मनुष्य को भूमि प्रबंधन तथा फसल उत्पादन के सिद्धांतों एवं क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना पड़ा और इस तरह एग्रोनॉमी की उत्पत्ति हुई। Thus, the term agronomy came into existence. Agronomy consists of two Greek words. एग्रोनॉमी दो ग्रीक शब्दों से बना है। एग्रोस मीन्स फील्ड एंड नॉमोस मीन्स मैनेज। एग्रोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ फील्ड टू प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरनमेंट टू द क्रॉप फॉर हायर प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी बोथ। एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम भूमि प्रबंधन तथा फसलोत्पादन के सिद्धांतों एवं क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। पीटर डी क्रेसेंजी 1230 से 1307 AD कलेक्टेड मैनी लिटरेचर्स रिलेटेड टू एग्रोनॉमी इन हिज बुक ऑपस रूरेलियम कामोडारम फॉर द फर्स्ट टाइम। That is why he is called the father of agronomy. पीटर डी क्रेसेंजी ने सर्वप्रथम सस्य विज्ञान से संबंधित अनेक लेखों को संग्रह अपनी पुस्तक ओपस रूरालियम कामोडारम में किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा गया। जेथ्रोटुल रोट ए बुक हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। जेथ्रोटुल ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, जिनके आधार पर ऑन विच बेसिस सीड ड्रिल एंड हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर वर डेवलप्ड। जिनके आधार पर सीड ड्रिल तथा हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर विकसित किया गया। द वर्ड्स वीड एंड जीरो टिलेज वर आल्सो यूज्ड फर्स्टली बाय हिम। वीड और जीरो टिलेज शब्द की उत्पत्ति भी इन्हीं ने या इन्हीं की देन है। इन इंडिया साइंटिफिक कल्टीवेशन हैज बीन स्टार्टेड विद द कमर्शियलाइजेशन ऑफ शुगर केन कॉटन एंड टोबैको। भारत में कृषि का वैज्ञानिकीकरण गन्ना कपास व तंबाकू के व्यवसायीकरण के साथ शुरू हुआ। ऑन 27 अप्रैल 1871 ए ज्वाइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिवेन्यू एंड कॉमर्स वाज इस्टेब्लिश्ड बाय लॉर्ड मायो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम के आग्रह पर लॉर्ड मायो के द्वारा 27 अप्रैल 1871 में कृषि राजस्व और वाणिज्य के एक संयुक्त विभाग की स्थापना की गई। ड्यू टू डायरेक्शन इशू बाई फेमाइन कमीशन 1880 ए सेपरेट सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वॉज इस्टेब्लाइज्ड इन 1881।
अकाल आयोग 1880 के निर्देशानुसार 1881 ईस्वी में कृषि का एक अलग केंद्रीय विभाग खोला गया। आते हैं IARI, IARI के बारे में जान लेते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। IARI इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1905 एट पूसा एट द टाइम बंगाल बट प्रेजेंटली इन बिहार अंडर द वायसरॉयल्टी ऑफ लॉर्ड कर्जन। इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1905 ईस्वी में बिहार के पूसा नामक स्थान पर की गई। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। 1934 इट्स बिल्डिंग वर डैमेज्ड ड्यू टू अर्थक्वेक। 1934 में इसकी जो बिल्डिंग थी भूकंप की वजह से डैमेज हो गई थी। देयर फॉर इन 1936 IARI वाज ट्रांसफर्ड टू पूसा रोड। अतः 1936 में IARI पूसा से इसे पूसा रोड न्यू दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। ट्रांसफर पूसा रोड न्यू दिल्ली। आफ्टर द इंडिपेंडेंस द वर्ड इम्पीरियल वाज सब्स्टिट्यूटेड बाई इंडियन एंड नाउ इट इज कॉल्ड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब कि स्वतंत्रता के बाद 1947 में इसका नाम इम्पीरियल से इंडियन में चेंज कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया और उसको फिर इसका नाम पड़ गया इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन 1958 IARI वाज गिवन द स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। 1958 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान की। अब आते हैं बात करते हैं ICAR की। ICAR द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1926 अंडर द वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के वायसराय काल में 1926 ईस्वी में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन हुआ। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रॉयल कमीशन रिपोर्ट ऑफ 1928 द इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वाज इस्टेब्लिश्ड इन ऑन 16 जुलाई 1928 में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर 16 जुलाई 1929 को इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई। इट वाज रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। सोलह जुलाई 1929 को इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई। इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज मोहम्मद हबीबुल्ला एंड सेक्रेटरी वाज एस ए हैदरी। इसके जो तो प्रथम प्रेसिडेंट जो थे हाँ मोहम्मद हबीबुल्ला और इसके सेक्रेटरी एस ए हैदरी थे, मतलब कि सेक्रेटरी मतलब सचिव, प्रथम सचिव इसके एस ए हैदरी थे। इन मार्च 1946 इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द इम्पीरियल इनटू इंडियन अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ जोगिंदर सिंह एंड सिंस दैट देन इट इज कॉल्ड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। 1946 में जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में इम्पीरियल शब्द को इंडियन में बदलने के लिए निर्णय लिया गया। इन 1966 ICAR वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इनटू फुल ऑटोनोमस बॉडी एंड इट्स फर्स्ट डायरेक्टर जनरल वाज डॉक्टर बीपी पाल द मैंडेट ऑफ ICAR इज। 1966 ईस्वी में ICAR को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई और इसके प्रथम डायरेक्टर जनरल
चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर बीपी पाल बनाए गए। थैंक यू। ये एग्रीकल्चर की हिस्ट्री थी जो कि अरुण कप्तान में है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप अच्छे से ध्यान से समझें।